नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है विश्व गौरैया दिवस। पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित होगा बिहार का ऐतिहासिक थावे मंदिर। नीट यूजी और पीजी में इतनी बड़ी एमबीबीएस की सीटें। अंग्रेजी पर फिर से भड़के सीएम नीतीश। रॉबिन थप्पा ने महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी बातों का किया खुलासा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है विश्व गौरैया दिवस। आपने शायद अपने बचपन में छोटे आकार वाली खूबसूरत गौरैया को अपने आंगन या अपने घर के आसपास जरूर देखा होगा, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि गौरैया अब विलुप्त होती जा रही है और आज के बच्चे मुश्किल से गौरैया को देख पा रहे होंगे। इसी को देखते हुए गौरैया को विलुप्त होने से बचाने के लिए आज के दिन यानी कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा वर्ष 2018 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानों और गौरैया की बीच का रिश्ता 11,000 साल पुराना है। गौरैया को 2002 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि वर्ष 2013 में बिहार के द्वारा गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित कर दिया गया, तो वहीं 2012 में दिल्ली सरकार के द्वारा गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। चैती छठ और रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन ने कर ली तैयारी पूरी। जिला प्रशासन की ओर से आने वाले चैती छठ और रामनवमी जैसे त्योहारों को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि इस बारे में पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रामनवमी और चैती छठ को लेकर यातायात संबंधित और घाटों के मरम्मत के कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही रामनवमी में निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर बिहार की राजधानी पटना के मुख्य चौराहों पर यातायात से जुड़े संबंधित निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा इस दौरान शोभा यात्रा से गुजरने वाले यातायात संबंधित रूटों में भी बदलाव किया गया है। वहीं चैती छठ को लेकर नगर निगम को सारे दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और साथ ही राजधानी में स्थित 11 खतरनाक घाटों को भी चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इन 11 खतरनाक घाटों में लोगों को छठ पर मनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं जिन घाटों पर अनुमति दी जाएगी वहां घाटों की मरम्मत, ई लाइटिंग, चेंजिंग समेत कई व्यवस्थाएं की जा रही है। बिहार पुलिस ने सीरियल किसर को किया गिरफ्तार। बीते कुछ दिनों से बिहार में सीरियल किसर से जुड़ी कई चर्चाएं चल रही थी, वहीं अब सीरियल किसर के गैंग की सारी कहानी सामने आ गई है। बता दें कि बीते दिन देर रात पुलिस के द्वारा चोरी के सामान की बरामदगी के लिए सूचना के आधार पर महिसौडी बाबू टोला में छापेमारी की गई थी, जहां पुलिस के द्वारा सीरियल किसर के गिरोह के लीडर और उसके चार साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सीरियल किसर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था और फिर रात को चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपितों से पूछताछ की जा रही है और गिरोह से जुड़े बाकी लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के इस जिले में होगी वाहनों की सस्ती नीलामी। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप सस्ते दामों में वाहन ले तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार के गोपालगंज जिले में शराब मामले में पकड़ी गई वाहनों की नीलामी होने जा रही है। बता दें कि इसके लिए सूची जारी की जा चुकी है। मालूम हो कि जारी की गई सूची में कुल गाड़ियों की संख्या 450 है, जिसमें बाइक, कार, बस, ऑटो समेत कई वाहन शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नीलामी से वाहन खरीदने के इच्छुक लोग को सबसे पहले आवेदन करना होगा, क्योंकि आवेदन न करने वाले लोग नीलामी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। बता दें कि उत्पाद विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गोपालगंज में नीलामी की यह प्रक्रिया 21, 23 और 24 मार्च को आयोजित की जाएगी। बिहार की राजधानी में खुलेंगे 15 नए सीएनजी स्टेशन। बहुत जल्दी बिहार की राजधानी पटना में सीएनजी वाहन चालकों को राहत मिलने वाली है। दरअसल गेल इंडिया के द्वारा सीएनजी के उपभोक्ताओं की परेशानी को दूर करने के लिए इस साल के अंत तक 15 नए सीएनजी स्टेशन खोले जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई सीएनजी स्टेशन की शुरुआत मार्च के अंत से हो जाएगी, तो वहीं कई स्टेशनों में तकनीकी का काम चल रहा है। अब केवल पैसों से प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए सीएनजी स्टेशनों के खुल जाने से कामों पर कम दबाव पड़ेगा। मालूम हो कि वर्तमान में सीएनजी की कीमत 94.04 रुपए प्रति लीटर है। वहीं वर्तमान में गेल इंडिया के द्वारा प्रतिदिन लगभग 80,000 किलो सीएनजी की सप्लाई की जाती है। पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित होगा बिहार का ऐतिहासिक थावे मंदिर। बहुत जल्दी बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित ऐतिहासिक थावे मंदिर को पर्यटन के मानचित्र पर भी देखा जा सकेगा। बता दें कि इसके लिए थावे मंदिर का हर स्तर पर विकास किया जाएगा। मालूम हो कि मंदिर से लेकर मंदिर के आसपास के इलाके के विकास के लिए बाकायदा मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए नक्शा भी तैयार कर लिया गया है। वहीं मंदिर के विकास पर अगर खर्च होने वाली राशि की बात करें तो अनुमान के अनुसार मंदिर के विकास पर
100 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च हो सकती है। वहीं वर्तमान में प्रथम चरण के तहत मंदिर के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि आवंटित भी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर का विकास हो जाने से यहां आने वाले भक्तों को कई चीजों की सुविधाएं मिल सकेगी और साथ ही यहां की व्यवस्था को भी लेकर उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में उठा तुषार हत्याकांड का मामला। आज बिहार विधानसभा की शुरुआत होते ही हंगामा होना शुरू हो गया। बता दें कि सदन के आरंभ होते ही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा पटना में शिक्षक के बेटे तुषार की अपहरण करने के बाद हत्या के मामले को लेकर आवाज उठाया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए लेकिन विजय सिन्हा के सवाल पर सत्ता पक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद विपक्ष के विधायक के द्वारा जमकर हंगामा किया गया और सभी विधायक वेल में पहुंच गए। हालांकि इस दौरान स्पीकर के द्वारा बार बार विपक्ष के विधायकों से बैठने की अपील भी की जा रही थी लेकिन इसके बावजूद भी विधायक काफी देर तक हंगामा करते रहे। भाजपा विधायक ने सीएम नीतीश को दिया सुझाव। भाजपा विधायक पवन जायसवाल के द्वारा सीएम नीतीश को लेकर कहा गया कि नीतीश कुमार कभी क्राइम को बर्दाश्त नहीं करते थे लेकिन आज के दौर में ऐसा हो गया है कि जिन लोगों को अपने गाड़ी में हथियार लेकर घूमने में डर लगता था वे आज हथियार को चमकाने में लगे हैं क्योंकि शायद इस बात की जानकारी उनको मिल गई है कि सरकार अब आ गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार में क्राइम पर रोक लगाने के लिए योगी मॉडल के तर्ज पर काम करना चाहिए। जिस तरह योगी जी ने अपराधियों को लेकर यह साफ कर दिया है कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ठीक ऐसा ही बिहार में भी सीएम नीतीश को करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री राज्य में अपने हिसाब से योगी मॉडल लागू करे। अगर अपराध को रोकने के लिए गाड़ी पलटनी पड़े तो पलटने दीजिए लेकिन मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाना चाहिए। नीट यूजी और पीजी में इतनी बड़ी एमबीबीएस की सीटें। हाल ही में संसद में केंद्र सरकार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पिछले 9 वर्षों में एमबीबीएस सीटों में करीब 50,000 की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि अब देश में एमबीबीएस की कुल सीट 10,01,043 हो गई है, जिनमें से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 52,778 सीटें शामिल है तो वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कुल 48,265 सीटें शामिल है। बता दें कि एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी होने से यह साफ पता चलता है कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में पहले की तुलना में काफी बढ़ोतरी आई है। मालूम हो कि एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी होने से अब छात्रों को एडमिशन लेने में थोड़ी आसानी होगी। वहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य में 13 और नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत करने की जानकारी दी गई है, कि आगे एमबीबीएस की सीटों में और भी बढ़ोतरी आएगी। अंग्रेजी पर फिर से भड़के सीएम नीतीश। आज बिहार विधान परिषद के दौरान एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंग्रेजी पर भड़क गए। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान सीएम नीतीश जैसे ही वेब पहुंचे उनकी नजर सीधे टीवी स्क्रीन पर पड़ी जिस पर अंग्रेजी लिखा था। फिर उसके बाद सीएम नीतीश भड़क गए और वेब सभापति को साफ साफ कह दिया कि अंग्रेजी नहीं चलेगी। बता दें कि सीएम नीतीश जैसे ही अंग्रेजी देखे उन्होंने कहा कि क्या है ये सब, क्या चल रहा है, स्पीकिंग टाइम क्या चलवा रहे हैं, हिंदी को एकदम खत्म ही करवा दीजिएगा क्या, ठीक कराइए ये सबको हिंदी में कराइए। मालूम हो कि इस दौरान सभापति देवेश चंद्र ठाकुर भी चुपचाप आसन पर बैठे रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सीएम नीतीश अंग्रेजी शब्द को देखकर भड़के हैं। इससे पहले भी वे किसान समागम में भाषण के दौरान अंग्रेजी शब्द को सुनकर भड़क उठे थे। पप्पू यादव ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव के द्वारा किरण पटेल को लेकर एक बयान दिया गया है। बता दें किरण पटेल वही व्यक्ति है जिसने खुद को पीएमओ ऑफिस का अधिकारी बताकर सरकारी सुरक्षा और आवभगत का आनंद उठाया था। वहीं पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर कहा है कि क्या पता किरण पटेल ने देश के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को बाहर भेज दिए हो। उन्होंने कहा कि किरण पटेल के मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह किरण पटेल को जज श्रेणी की सुरक्षा दी गई, अगर इस स्थान पर पक्षी सरकार होती तो सदन में मनमोहन सिंह से इस्तीफे की मांग करते दिखाई देते। उन्होंने कहा कि आखिर बिना डॉक्यूमेंट्स जांच किए कैसे किसी को जज श्रेणी की सुरक्षा दी जा सकती है। AIMIM इतने सीटों पर लड़ेगी लोकसभा व विधानसभा। AIMIM सुप्रीमो असुद्दीन ओवैसी अपने सीमांचल दौरे के दौरान कई हद तक मुस्लिम वोटरों को साधने में सफल रहे हैं। वहीं अब इनकी नई तैयारी लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए शुरू होने वाली है। बता दें कि सीमांचल दौरे के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी की ओर से बड़ी तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि AIMIM आगामी लोकसभा चुनाव में न केवल किशनगंज में बल्कि सीमांचल की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। वहीं अगर बात विधानसभा चुनाव की करें तो वैशी के अनुसार उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में कुल 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। सुधाकर सिंह का सीएम नीतीश पर करारा हमला।
बीते कई महीनों से आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा लगातार सीएम नीतीश पर हमला किया जा रहा है। वहीं अब एक बार फिर से सुधाकर सिंह के द्वारा सीएम नीतीश पर बिहार में शिक्षा व्यवस्था और बिहार के बाहर काम करने वाले मजदूरों को पीटे जाने के मामले को लेकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि वे जनता के मुद्दे उठाते हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि सवाल सत्ता से ही पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्ता किसी व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि वह सभी की होती है। सत्ता में भले ही कोई अपना सगा ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी सवाल पूछे जाने चाहिए। बता दें कि इस दौरान सुधाकर सिंह ने बिहार के विश्वविद्यालयों में चल रहे लेट सेशन पर भी सवाल उठाया। मालूम हो कि सुधाकर सिंह के द्वारा इतनी बार राज्य की आलोचना किए जाने के बाद भी एक बार भी सीएम नीतीश का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया। रॉबिन उथप्पा ने महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी बातों का किया खुलासा। भारतीय टीम के दाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा के द्वारा जियो सिनेमा के हवाले से माई टाइम माई हीरो में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी बातों का खुलासा किया गया। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की सादगी कुछ ऐसी है जो हमेशा से रही है और आज भी नहीं बदली है। उन्होंने कहा कि वह आज भी उतने ही सरल है जितना कि तब थे जब मैं उनसे पहली बार मिला था। धोनी दुनिया के सबसे सरल व्यक्ति है। हम हमेशा से अपने समूह के साथ खाना खाते थे, जिसमें सुरेश रैना, इरफान पठान, आरपी सिंह, पीयूष चावला, मुनाफ पटेल, धोनी और मैथा, दाल मखनी, बटर चिकन, जीरा आलू, गोभी और रोटियां ऑर्डर किया करते थे। लेकिन जब खाने की बात आती थी तो एमएस नियम के पक्के होते थे। वह बटर चिकन खाते थे लेकिन चिकन के बिना, सिर्फ ग्रेवी के साथ। जब वह चिकन खाते थे तो रोटियां नहीं खाते थे। जब खाने की बात आती है तो वह काफी अजीब होते हैं। वह चतुर चालाक कप्तान है। वह अपनी सहज प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि वह इतने सफल कप्तान रहे हैं। वह हर परिणाम की जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे वह जीत हो या हार। एमएस बहुत खुले मिजाज के व्यक्ति है। वह सच बोलने से नहीं हिचकिचाते, भले ही इससे आपको ठेस क्यों न पहुंचे। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुमारी संजना, एचके मल्होत्रा, कुश कुमारी यादव, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद नौशद राजा, रमन कुमार, नन्नू गोलू कुमार, शंकर मुखिया, रवि कुमार राम, पवन सिंह, कौशलेंद्र कुमार सन्हा, मोहम्मद सकीर हुसैन, अर्जुन राम, मृत्युंजय कुमार, सिद्धार्थ कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विलुप्त हो रहे पक्षियों के बचाव के लिए आप क्या करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।